कॉलर को हम शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कराची से समीना बात कर रही हूँ। कैसी हैं? खुशी हो रही है आपका प्रोग्राम देख के। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, शादी वीक मना रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं दो तीन बातें पूछना चाहती हूँ। जी जी, पूछ। शादी के हवाले से मिसेज जो खान बातें कर रही हैं जी, तो एक तो शादी के हवाले से एक दो टिप ये दीजिएगा कि जो बच्चियों की शादियाँ होने वाली हैं जी, तो उनको अपने घर, क्योंकि अभी आप लोग बात सोशल मीडिया वगैरह की कर रहे थे, तो उसमें बच्चियों का ये है कि हम ये काम नहीं करते। जैसे एक दो मेरी फैमिली में लड़कियों ने ये डिमांड रखी कि आप जहाँ भी शादी करेंगे एटलीस्ट 12 वहाँ पे नौकर होने चाहिए, 12 मेड होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैंने तो कभी सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनाया, मैंने तो कभी मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब ऐसे आज की इस महंगाई के दौर में और एक नॉर्मल से मतलब मिडिल क्लास घरों में 12 नौकर का तो तसव्वुर नहीं है। आप ये देखें उनके घर में पहले ये बताएं कितने नौकर हैं। ये नौकर मांग रही है, एक दर्जन गिन्नू मांग रही है। जिस लड़की ने ये डिमांड की है उस लड़की के घर में कितने चार क्या कितने नौकर? चार है। वो नौकर किराए पे देते हैं, उन्हीं के नौकर आएंगे। दो तीन, एक तो ये टिप बताइए। दूसरी बात ये है कि आज आप ये शादी वीक मना रहे हैं माशाल्लाह, तो इस पर मेकअप हो रहा है पीछे, तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी जरूर बताइएगा। निगहत साहिबा बैठी है, इनसे एक टिप ये पूछनी है। हम काशिफ भाई को वेलकम करते हैं आपके प्रोग्राम में, बहुत खूबसूरत आवाज है, मुझे तो अपनी सी खतरे में लगी है ना, इतना अच्छा बोलती हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उनसे ये भी कह दें जिस लड़की ने 12 नौकर की फरमाइश की है, उससे कहना अगर तुम्हें घर का काम नहीं आता तो घर में ही बैठो, आगे जाके जूते पड़ेंगे।